एक बार फिर आपका स्वागत है। पंचकुला में पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे सवालों की हम बात कर रहे हैं। सरपंचों के प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई अब हरियाणा में राजनीति का केंद्र बन गई है। इस घटना को लेकर सरकार पर विरोधी हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरपंचों पर लाठीचार्ज करके सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज में 60 लोगों को चोटें आई हैं और सरकार की ये कार्रवाई गलत है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरपंचों को उनका हक मिलना चाहिए और सरकार ई टेंडरिंग में राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। हरियाणा में ऊपर से नीचे तक, चाहे संसद है, चाहे विधानसभा है और चाहे हमारी लोकल इकाइयां हैं, जिस तरह से हमारे सरपंचों पर लाठी चार्ज हो रहा, वो भी तो तीसरा टियर है हमारे लोकतंत्र का, बजाय इसके कि उनके साथ बातचीत की जाए, अभी कल ही कम से कम 60 लोगों के सिर फूटे, कम से कम 20 लोग सीरियसली घायल हुए हैं जो मुझे बताया गया, अभी हम जाएंगे देखेंगे। तो ये क्या लोकतंत्र, क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी है? आप ये बताइए, क्या अपनी आवाज उठाने का अधिकार यहाँ पर लोगों को है कि नहीं? ना आम नागरिक को और ना जो निर्वाचित लोग हैं जिनका काम है लोगों की आवाज उठाना।